हेलो स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे जल विभव वाटर पोटेंशियल। जल विभव वाटर पोटेंशियल जल विभव के घटक पढ़ चुके थे, तो आज विभिन्न स्थितियों में जल विभव के मान की गणना करेंगे। विभिन्न स्थितियों में जल विभव जल विभव का मान सबसे पहले हम बात करेंगे एक कोण स्फीत कोशिका। एक कोण स्फीत कोशिका का जल विभव एक स्फीत कोशिका है। ध्यान देंगे, जल विभव आपको पढ़ाया गया था उसके आधार पर आप समझेंगे। ये स्फीत कोशिका है, एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए जल विभव का मान होता है वो शून्य होता है। ध्यान रहे, जब भी आप गणना करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए जल विभव का मान क्या होता है? शून्य होता है, क्योंकि एक पूर्ण स्फीत कोशिका के अंदर यदि हम बात करें कि पूर्ण स्फीत कोशिका है तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। अब इस पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए साई एस और साई पी का मान क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन विपरीत चिन्ह युक्त होता है। विपरीत चिन्ह युक्त होता है, जैसे साई एस बराबर माइनस दस है, दस बार, तो साई पी बराबर क्या होगा? प्लस दस बार होगा। तो यहां पर एक पूर्ण स्फीत कोशिका है उसके लिए साई एस का मान कितना है? माइनस दस बार है, और साई पी बराबर भी क्या होगा? दस होगा। तो जल विभव की गणना करेंगे, साई डब्ल्यू बराबर साई एस का मान कितना है? माइनस दस है, दस बार, और साई पी का मान है वह कितना है? दस है। तो साई डब्ल्यू बराबर कितना होगा? जीरो बार होगा, या बार्स भी बोलते हैं। ध्यान रहे, तो इंपॉर्टेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए जल विभव का मान क्या होगा? जीरो बार्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक पूर्ण स्फीत कोशिका है और उस स्फीत कोशिका के ऊपर टीपी का मान होता है वो क्या होता है? अधिकतम होता है। अतः यहां पर साई एस और साई पी का मान होगा वो बराबर होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह युक्त होगा। अतः इसके लिए साई डब्ल्यू का मान क्या होगा? जीरो बार्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से नंबर दो की बात करेंगे, ये शायद क्लियर, इससे आगे बढ़ सकते हैं, कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। नंबर दो बात करें एक स्लथ कोशिका के लिए। एक स्लथ कोशिका होती है, उसके लिए जल विभव का मान क्या होगा? ध्यान देंगे आप। नंबर दो, कोशिका कैसी है? स्लथ है,
स्लथ कोशिका के लिए जल विभव का मान। जल विभव का मान एक कोशिका स्लथ है, स्लथ यानी एक प्रकार से पिचकी हुई, ये मान लो स्लथ कोशिका है, पिचकी हुई है। अब उसके लिए साई एस बराबर कितना है, माइनस दस बार है। अब साई पी का मान क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ध्यान है प्रेशर साई पी क्या है, दाब विभव। तो एक स्लथ कोशिका के लिए दाब विभव का मान क्या होता है, एक स्लथ कोशिका के लिए दाब क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर साई पी बराबर क्या होगा, जीरो बार होगा। तो हमें जल विभव की गणना करेंगे। तो एक स्लथ कोशिका के लिए यदि जल विभव की गणना करें, तो आप जल विभव के बारे में साई डब्ल्यू बराबर क्या होता है, साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी। लेकिन आपको बताया गया था कि जल विभव की गणना करते समय मैट्रिक विभव को ध्यान में नहीं रखा जाता है, तो हम गणना करेंगे तो साई डब्ल्यू बराबर क्या होगा, साई एस प्लस साई पी। तो हमें गणना ये करनी है, मैट्रिक विभव को ध्यान में नहीं रखा जाता है, ये आपको पहले बताया गया था, प्रश्न के दौरान मैट्रिक विभव को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो यहां पर एक प्रकार से साई डब्ल्यू बराबर है, तो साई एस का मान कितना है, 10 बार है, और साई पी का मान कितना है, 0 बार। अतः साई डब्ल्यू बराबर कितना होगा, -10 बार। ध्यान रखें कि एक स्लथ कोशिका के लिए जल विभव का मान कितना होगा, -10 बार होगा। तो ये है एक स्लथ कोशिका के जल विभव की मान। नंबर 3 यदि बात करें एक जीव द्रव कुंचित कोशिका के लिए, एक जीव द्रव कुंचित कोशिका के लिए जल विभव का मान क्या होगा, नंबर 3 जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के लिए जल विभव का मान, यह जीव द्रव कुंचित कोशिका है। ध्यान रहे आपको पहले बताया गया था कि साई डब्ल्यू बराबर साई एम प्लस साई एस प्लस साई पी होता है। जल विभव की गणना करते समय मैट्रिक विभव को ध्यान में नहीं रखेंगे, तो साई डब्ल्यू बराबर क्या होगा, साई एस और साई पी होगा। आपको ये मान बताया गया था ये कैसा होता है, नेगेटिव, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव, धनात्मक होता है। लेकिन एक जीव द्रव कुंचित कोशिका है, ध्यान रहे उसके लिए साई पी का मान होता है वो कैसा होगा, यहां ऋणात्मक होगा, यह आपको ध्यान रखना है। साई पी का मान कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि जीव द्रव कुंचित कोशिका में संपूर्ण जल होता है जो कोशिका से बाहर आ जाता है। जैसे यहां पर साई एस बराबर कितना है, -10 बार है, तो यहां पर साई पी बराबर कितना है, -2 बार। यहां नेगेटिव है, यह आपको ध्यान रखना है। यहां एक प्रकार से माइनस में लिया गया है, क्यों लिया गया है, क्योंकि जीव द्रव कुंचित कोशिका होती है, इसके अंदर संपूर्ण जल होता है जो कोशिका से बाहर आ जाता है, अतः इसका मान साई पी का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पर साई डब्ल्यू बराबर हम मान रख देंगे साई एस बराबर कितना है, 10 बार, और साई पी बराबर कितना है, -2। तो हल करेंगे तो साई डब्ल्यू बराबर -10 और -2 हो गए, तो साई डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -12 बार। ध्यान रखेंगे तो एक जीव द्रव कुंचित कोशिका के लिए जल विभव का मान कितना होगा, 12 बार होगा। ध्यान रखें तो ये था एक प्रकार से एक पुनर्स्मित कोशिका, एक स्लथ कोशिका और एक जीव द्रव कुंचित कोशिका के लिए जल विभव का मान। अब इससे संबंधित क्वेश्चन आगे हल करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।